केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि जब भी मैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जाता हूं और वहां सड़क हादसों को लेकर बात होती है तो मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान गडकरी ने कहा कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है, स्वीडन रोड एक्सीडेंट को जीरो तक ले आया है, और भी बहुत देश हैं जिसने इसे कम किया है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला था तो मैंने 2024 तक सड़क हादसों और इससे होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा था। एक्सीडेंट कम करना तो भूल जाइए, मुझे तो ये स्वीकार करने में भी कोई शर्म नहीं है कि ये बढ़ गए हैं। इसलिए किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सड़क हादसों पर चर्चा होने पर मैं मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज चार चार पाँच पाँच कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं।